हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास दिखाने वाली हूँ। सो समर्स चल रहे हैं और समर्स में क्या होता है कि जो हमारे फैंस होते हैं घर के, बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। और अगर ब्लैक या यू नो ब्राउन कलर के फैंस होते हैं तो उनमें गंदगी फिर भी नहीं दिखती, लेकिन अगर आपके घर में वाइट कलर के फ़ैन लगे हुए हैं तो बहुत जल्दी उनमें गंदगी इकट्ठी हो जाती है और बहुत गंदे दिखने लगते हैं। तो आज मैं अपने घर के उन्हीं सभी फैंस की सफाई करने लगी हूँ। सो मैंने सोचा क्यों ना कुछ टिप्स आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने गंदे हैं फैन और उसके बाद कितने साफ हो चुके हैं। स्टार्ट करें। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे ड्राइंग रूम का फैन जो कि बहुत ही सुंदर कंडीशन में है। इस टाइम वाइट कलर पे है, वाइट कलर में है तो बहुत ही सुंदर हो चुका है। वाइट और ब्लैक हो गया है इस टाइम ये। सो अभी हम इसको क्लीन करने लगे हैं। सबसे पहले होगा ये वाला फैन क्लीन, उसके बाद ये है मेरा किचन के सामने वाला फैन, ये है मेरी किचन और ये है उसके सामने वाला फैन। तो उसमें क्या होता है कि कुछ चिकट चिकनाई जम जाती है, उसको हमें गर्म पानी के साथ साफ करना होता है। इस वाले को हम साफ करेंगे गर्म पानी से। बढ़ते हैं तीसरे फैन की तरफ। ये है हमारे तीसरे रूम का फैन। ये ब्राउन कलर में है सो इतना दिख नहीं रहा है गंदा, लेकिन ये भी काफी गंदा हो चुका है। इसकी भी हम सफाई करेंगे, इसको भी आज पूरा क्लियर कर देंगे। इसके बाद आता है हमारा चौथा फैन, ये अगेन व्हाइट कलर में है, इतना गंदा नहीं हुआ है, लेकिन जब सभी फैन को साफ कर रहे हैं तो इसको भी साफ कर डालेंगे आज। क्या आप तैयार हैं फैंस की क्लीनिंग देखने के लिए? देखते रहिए, ये वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्लीनिंग स्टार्ट करने ही वाली थी कि तभी याद आया कि मैंने अपनी ग्रीन टी रखी हुई है गैस पर, और क्यों ना पहले अपनी ग्रीन टी फिनिश करी जाए। तो ये है मेरी ग्रीन टी, ये फिनिश करने के बाद हम लगेंगे सफाई में। और तब तक मैं इस बंदर को बिठाऊंगी कार्टून देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मंकी है, नहीं तो मुझे कुछ नहीं करने देगा। ये शैतान नंबर वन है, शैतान नंबर वन। गन्नू महाराज से हाय। यहाँ पर ये मैंने दो मग्स लिए हैं, इसमें डिटर्जेंट का पानी है और ये प्लेन वाटर है। सो और मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, इससे मैं करूँगी सर्फ के पानी से सफाई फैंस की। और ये जो कपड़ा है सूखा, इसे मैं एक बार सूखा झाड़ूंगी जो धूल है सारी, और उसके बाद अब मैं सर्फ के पानी से साफ करूँगी, और फिर उसके बाद इसी कपड़े से प्लेन पानी से जो है फैंस को क्लीन करूँगी। तो चलिए करते हैं क्लीनिंग स्टार्ट। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा सेटअप रेडी है। ये मेरे मग्स रखे हुए हैं विद क्लोथ्स, ये मैंने लैडर लगा लिया है यहाँ पे, और एक मैंने छोटा सा टेबल फैन भी लगा लिया है। अब इस फैन को तो नहीं चला सकती हूँ ना अगर इसको क्लीन करना है तो तो क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये सूखा कपड़ा है, हम इसकी हेल्प से जो पूरा डस्ट लगी हुई है ना फैन पे, इसको क्लीन करेंगे ड्राई। इसको हम अभी वो नहीं करेंगे, पानी में नहीं डुबोएंगे। तो हमने यहाँ पर देखे सब कुछ जैसे ड्राई इसको क्लीन कर लिया है, ये वाली भी बाकी है, इसको भी कर लेंगे ऐसे ही। ये देखिए, सो ये हमने ड्राई क्लीनिंग से कर ली है, अब इसको सर्फ के पानी से साफ करेंगे। ये देखिए जो हमने ड्राई क्लीन किया है फैन को, कि कितनी गंदगी निकली है। अब मैं ले रही हूँ डिटर्जेंट का कपड़ा और इससे हम क्लीनिंग करेंगे फैन की। फैन क्लीन करने जा रहे हैं, सर पे कपड़ा बांधना मत भूलिएगा, इससे हमारे जो बाल हैं वो गंदे नहीं होंगे। सो फटाफट से ये कपड़ा हम बांध लेते हैं। ये लीजिए,
देखिए, ये देखिए हमारा जो फ़ैन है वो क्लीन हो गया है। मैंने पंखे को अच्छे से ऊपर से भी साफ़ कर दिया है ड्राई कपड़े से, फिर डिटर्जेंट के पानी से भी साफ़ किया, फिर प्लेन पानी से भी साफ़ किया है। इसके लिए मुझे 3 कपड़े लगे हैं, तो मैंने ये क्लीन कर दिया है। ठीक है जी, अब बारी है दूसरे फ़ैन की। सिपाही भी हेल्प कर रहा है, मम्मा फ़ैन क्लीन कर रही हैं, तो मैं अपनी गाड़ी साफ़ कर लेता हूँ लगे हाथ, वो भी तो बहुत ज़रूरी है ना। चलिए अब इस फ़ैन की बारी है, इसके लिए मुझे गर्म करना होगा पानी, फिर सफाई। जब आप फ़ैन को क्लीन करें तो उसके नीचे जो बेडशीट है या जो भी है, अगर आप चाहते हैं कि वो गंदा ना हो, या तो उसको कवर कर दें किसी और चीज़ से, या तो फिर उसको हटा लें। लेकिन मेरा क्या है कि ये बेडशीट जो है मुझे चेंज करनी है, तो मैं इसको वॉश ही करूँगी, तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगी क्योंकि गंदी हो रखी है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही क्लीन करूँगी और फिर इसको बाद में चेंज करूँगी। और वो वाला कपड़ा लेके आओ। छोटा सा सिपाही मेरी हेल्प कर रहा है मग पकड़ाने में और कपड़ा पकड़ाने में, और घर की देखिए क्या हालत हो गई है। सो आप कोशिश कीजिएगा कि घर की सफाई होने से पहले ही ये काम हो जाए, ताकि सारी सफाई एक बार में हो जाए। सो मेरा ये वाला फ़ैन भी क्लीन हो गया है, ये देखिए। अब बारी है तीसरे फ़ैन की। बहुत सारे फ़ैन हैं मेरे यहाँ पर। ये सब मेरे फैन है, इस वाले फैन की बारी है। पंखे की आड़ में अपनी गाड़ी साफ करी जा रही है। ये मेरा बंदर अपनी गाड़ी को बहुत अच्छे से क्लीन कर रहा है, ये देखिए। वाह जी वाह जी वाह, जियो मेरे शेर। आहा,
तीसरा फैन भी क्लीन हो गया है, अब है चौथे फैन की, चलिए क्लीन करते हैं। क्लीन पानी ले लेती हूँ उसको क्लीन करके, अब इसको हटा के। वेरी नाइस कीप इट अप भाई भाई। फोर्थ फैन हो गया है साफ। वन टू थ्री एंड फोर ऑल क्लीन, मेरे सारे फैंस क्लीन हो गए हैं, मिशन हो गया है कंप्लीट, सारे फैन हो गए हैं क्लीन। सो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, अगर अच्छी लगी हो सो एक लाइक तो कर ही देना और शेयर भी कर ही देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए दिन, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।